है तो इन 10 वर्षों में विधायक निधि का भी मिला है। 12 वार्ड नगर निगम के हैं, साथ में बहुत सारा एरिया रजाना मैली मलियाना इत्यादि हैं। इनमें उस 18 करोड़ में से एक पैसा कहीं पर दिया है वो भी आप पूछ सकते हैं और बताएं वो कि कहां दिया है उन्होंने, किसको दिया है, किसी इंडिविजुअल को कोई डंगा लगाने के लिए दिया है या किसी काम के लिए दिया है। नगर निगम में एक पैसा नहीं आया, पंचायतों में एक पैसा नहीं आया। वो पैसा कहां खर्चा हुआ, जो रिकॉर्ड है उसमें इस नगर के जो क्षेत्र है उनमें एक पैसा खर्च नहीं हुआ डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात के लिए मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूँ, आगाह भी करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को आप जो है वो नशा मुक्त करिए, वरना आपको जो है वो आने वाली पीढ़ियां जो माफ नहीं करेंगी, हम सबको नहीं माफ करेंगी। और इसके लिए आज जरूरी है आपको कि जो नशाखोरी जो है वो यहां पर होती है उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होना चाहिए, उस हाथ को उठा करके फेंक दीजिए। और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के साथ अपना कनेक्शन जोड़िए। आप जो है वो इस प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जयराम जी की सरकार है, जो अलग अलग स्कीम्स हैं प्रदेश की और देश की, आदरणीय नड्डा जी जो है उसके बारे में जो है वो अपना हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आपको जो है तय करना है 12 तारीख को, क्योंकि ये जो डबल इंजन है इससे ट्रेन चल रही है। हम सरकार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन इसका अर्थ है कि डबल इंजन से ट्रेन चलती है। वो सारे हिमाचल प्रदेश की ट्रेन इस डबल इंजन से चल रही है, लेकिन सुमटी उसमें जो है वो स्टेशन पर ही खड़ा है, वो डब्बा नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ। उस डब्बे को इस बार जोड़िए, 20 साल से वो डब्बा स्टेशन पर ही खड़ा है। अभी जो है मैं समझता हूँ कि विकास की जो राजनीति, परफॉर्मेंस की जो राजनीति आदरणीय मोदी जी ने प्रारंभ की है, आदरणीय नड्डा जी ने जो है इनके नेतृत्व में जो है वो देश में आज चल रही है, उसके साथ हम जुड़ेंगे, विकास होगा। और हम जो है वो 12 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर के उंगली दबाएंगे कमल के फूल पर, नहीं तो 20 साल से सूखा पड़ा हुआ है इसमें। और कमल तब खिलेगा जब यहाँ पर जो है वो वर्षा होगी, और कमल खिलेगा जब आप उस पर उंगली लगाएंगे। और आपने द्वारा उनको चुन करके भेजा, द्वारा उनके दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जो विधायक नहीं थी विजय ज्योति सेन जी, बाकी हमारे मंडल के लोग, उन लोगों ने जो है वो काम करके दिखाया। इस सुमटी विधानसभा क्षेत्र में जो है वो चाहे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो या हमारे जो है वो कोटी और बल्देया में सब तहसील बनना हो, जुड़गा में तहसील बनना हो, वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैं, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं, वो इन लोगों ने खोले। लेकिन विधायक कहता है पार्टी तो बीजेपी की सरकार है, पहले जो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का था उसे मेरी बनती नहीं थी, तो फिर विधायक किस लिए होता है? अब ये पूछिए आप, क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो काम करेगा तो भी उसी फार्मूले पर 90 और 10 के हिसाब से जो है वो बन रहा है, और वो बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपके क्षेत्र में भी जो है वो अनेकों काम किए हैं हमारे पार्षद हैं यहाँ पर, और इसी प्रकार से आपके साथ लगता हुआ विकास नगर जो सुमटी का ही एरिया है, हिमाचल शिमला में पहली एक लिफ्ट बन रही है जो टूरिज्म ने बनाई थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर जो 3-4 लिफ्ट बननी है उनमें पहली जो लिफ्ट बनी है वो सुमटी के विकास नगर में बन करके तैयार हुई है, साथ ओवरब्रिज बना है, और उसके जो है वो आपको जो है आज जो है आदरणीय नड्डा जी हमारे मध्य में यहाँ पर विराजमान है, इसलिए हम सब उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे मध्य में इनके साथ साथ जो है हमारी 2017 में जो इस क्षेत्र से प्रत्याशी थी, जो हमारे क्यूठल स्टेट है, ये जो भाग है ये क्यूठल रियासत का जो है वो पार्ट हुआ करता था किसी समय, और आज जो है वो हमारे सुमटी विधानसभा का जो है वो हिस्सा है। उस क्यूठल रियासत की हमारी राजमाता है, और साथ में जो है वो 2017 में हमारी प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में। भारत माता के लाल है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।